Assalamu alaikum, welcome to all. Today our topic is law of learning. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि लर्निंग के कौन से लॉ हैं. बट बिफोर मूविंग टू आवर टॉपिक, जो हमारे आज के कॉन्टेंट्स हैं उनमें है इंट्रोडक्शन टू थैंडोइक एंड लॉ ऑफ लर्निंग. सबसे पहले हम जानेंगे कि थैंडोइक कौन था. थैंडोइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है. फुल नेम थैंडोइक है एडवर्ड ली थैंडोइक, और थैंडोइक जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी. वो बाय ऑक्यूपेशन एक प्रोफेसर था जो एक कॉलेज में पढ़ाता था और जिसने मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी को डेवलप किया है. थैंडोइक ने लर्निंग के 3 लॉज बताए थे जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट इस वीडियो में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो लॉज हमारे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन. सो हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की तरफ, लॉ ऑफ रेडीनेस. इसमें कहते हैं जी द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न. इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न एंड दे विल नॉट लर्न मच इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग. लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, एक इंसान तभी कुछ सीख सकता है जब वो सीखना चाहता है और जो चीज़ वो सीख रहा हो और उससे लगे कि ये मेरे किसी काम की नहीं है या इस चीज़ को सीखने का कोई भी मकसद नहीं है तो वो इस चीज़ को सीखना छोड़ देता है. दैट्स मीन यू नीड मोटिवेशन, यू नीड ईगरनेस टू लर्न. जब आप किसी चीज़ को सीखना नहीं चाहेंगे तो आप वो चीज़ कभी भी नहीं सीख पाएंगे. इसलिए ये लॉ कहता है कि आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए आप में ये पैशन होना चाहिए, आप में ये शौक होना चाहिए कि आप कोई चीज़ सीखें, कोई चीज़ लर्न करें. लर्निंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन अ पर्सन वांट्स टू लर्न. ओके जी, अब मूव करते हैं. सेकंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेपिटिशन. ये क्या कहता है, थिंग्स कैन बी लर्न बाय रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. Repeating a behavior make it more powerful. वो एक quotation भी है कि practice makes man perfect. चीज़ें तभी आप बेहतर सीख सकते हैं जब आप उन्हें बार बार सीखते हैं, बार बार उन पर work करते हैं. आपकी कोई skill है वो आप तब तक उसमें expert नहीं होंगे जब तक आप बार बार उस पर काम नहीं करेंगे, बार बार उसको practice नहीं करेंगे. So things can be learned by repeating again and again. जो हमारा थर्ड वन है वो है लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट. बिहेवियर इज़ लाइकली टू बी रिपीटेड इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. अब रीइंफोर्समेंट के आगे 4 टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं. 1 है पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन. अब जो आपकी रीइंफोर्समेंट है वो आप नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है. जब आप कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, और जब आप एक ही बिहेवियर को कंटिन्यू कर रहे हो, उसी पे वर्क कर रहे हो, उससे इम्प्रूव कर रहे हो, तो ये आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो. जो हमारा फोर्थ लॉ है वो है जी लॉ ऑफ एसोसिएशन. ये क्या कहता है, हाउ वी लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स. ये लॉ रिलेट करता है कि हम कैसे चीज़ें सीखते हैं और उन्हें याद करते हैं. ह्यूमन लर्न थिंग्स विच कैन एसोसिएट विद देयर पास्ट. लोग वो चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं जो उनके पास्ट के साथ एसोसिएट कर रही हों, उनके एक्सपीरियंस के साथ या फिर उनके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ. अब हम चीज़ें कैसे याद करते हैं और रिमेंबर करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जब आप बादल गरजने की आवाज़ सुनते हो अल्टीमेटली आपके जहन में बिजली के भी सोच पैदा होती है कि कैसे लाइटनिंग होती है, जैसे जैसे थंडर्स हैं उसके बाद लाइटनिंग अल्टीमेटली होगी. दिस इज़ हाउ वी लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं, इसलिए हमें याद भी रहती हैं और हमने ये चीज़ देखी भी है और सीखी भी है. सो आज के टॉपिक में इतना ही. नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 लॉज जो थैंडोइक के हैं, और थैंडोइक की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थैंडोइक की लाइफ पे वो भी हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.